झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, बरहरवा टोल विवाद में दिया ये निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने ईडी के अधिकार को चुनौती देने के बिंदु पर राज्य सरकार को हाई कोर्ट में जाने का निर्देश दिया। ईडी द्वारा बरहरवा टोल विवाद मामले में जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान व डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन जारी किए जाने के बाद सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से शरफुद्दीन और प्रमोद मिश्रा ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि ईडी राज्य सरकार की जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप कर रही है। राज्य सरकार की जांच एजेंसियां केंद्रीय जांच एजेंसियों के आदेशानुसार या इच्छानुसार किसी को भी दोषी या निर्दोष नहीं करार दे सकती है। पुलिस द्वारा बरहरवा टोल विवाद मामले में कुछ अभियुक्तों को निर्दोष करार दिए जाने पर ईडी सवाल उठा रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और ईडी को राज्य सरकार की जांच एजेंसियों के काम में दखल देने से रोके। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद राज्य के गृह सचिव सह सीएम के प्रधान सचिव की ओर से डीजीपी को पत्र लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि वह राज्य सरकार द्वारा अपील करने की जानकारी ईडी के समक्ष अधिकारी को दे, साथ ही यह भी अनुरोध करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक ईडी राज्य की जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारों को समन नहीं करे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।